दोस्तों भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी स्लिप हो चुकी थी, लोग पूरा ऑफ रोड पे ही ले जाएंगे। ये बहुत ही बेकार इंसान इतने दूर आने के बाद ही भाई ये फोन पे ही लगा हुआ है। ओहो, 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 ओहो। हम लोग पैदल वाले रास्ते से पहुंच चुके हैं ओली पे, तो मैं फुल कर देना अंकल। अंकल तीन चाय और पकोड़े। भैया कितना हो गया ये? 60 रुपए। हाँ और 30.90। ठीक है भैया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एक साथ हो रहा है। तो बात ऐसी है कि हम लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं पीपल कोटी में, और सुबह ये वाला प्लान जो बन रहा है ये बहुत ही सडन बना हुआ है। संजू भाई के साथ भी सडन, पवन भाई के साथ भी सडन। तो आज हम लोग इस ट्रिप में जाने वाले हैं तीन लोग, और प्लान है ओली जाने का। प्लान से प्लान बना भी ओली जाने का, कहाँ जाता है अभी कोई फिक्स नहीं है। ये अनसर्टेन प्लान है और अनप्लानिंग वाला प्लान है कि भाई हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो सुबह फोन किया पवन भाई को कि चलना है, तो पवन भाई पहुँच गए घर पे, तो जस्ट प्लान बन गया। और संजू भाई को तो हमने उठा ही दिया था, संजू भाई तो हमारे अपने यार है। तो प्लान बात ऐसी है कि भाई दोस्तों अभी हम पीपल कोटी में, सुबह नाश्ता किया नहीं है। पवन भाई नाश्ता किया? संजू भाई तो फास्ट रहता है इनका, तो हमने कहा मंगाई है पहले पकौड़े, पकौड़ों के मजे लेंगे तब बातचीत करेंगे आगे क्या क्या है। आप लोग भी पकौड़ों के मजे लीजिए। चाय पकौड़ी खा दिए हैं और थोड़ा बहुत आ चुके हैं एनर्जी बॉडी में, तो अब करते हैं आप लोगों से बातचीत। तो आज के हम लोग पहले राइड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग आज जाने वाले कहाँ पे है क्या है, क्योंकि ये प्लान जो हुआ है ना मॉर्निंग जस्ट उठ के 5 मिनट में ही बना हुआ है। मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घर से निकलना है और चलते रहना है। 2 दिन का हमने टूर बनाया हुआ है, जहाँ तक होगा जैसा होगा चलते रहेंगे। तो इसी वजह से जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है पीपल कोटी से चाय पकौड़ों के साथ, क्योंकि 10 बजे उठे, 10 प्लान बना, तो वही थोड़ा बहुत अपना सामान रखा नॉर्मली जो हमारा है, अपना लैपटॉप बैग अपना हेलमेट, तो निकल दिया हम लोग। हमने कहा चलो देखते हैं। तो प्लान इसीलिए भी हम लोगों का ओली तक का बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप हो रही है कल से, मतलब 7 तारीख से। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग भी देख लें स्कीइंग, क्योंकि मैं इस सीज़न अभी तक कहीं पे भी बर्फ़ वाली जगह पे गया नहीं हूँ। प्लान तो हो रहा था चोपता जाने का, बट चोपता में प्रॉपर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, आधे रास्ते में ही मतलब वापस रिटर्न करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा जब आधे से ही रिटर्न करना है तो जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने ओली का सोचा है। तो देखते हैं ओली कहाँ तक जा सकते हैं। और इस बार जो चैम्पियनशिप हो रही है ना वो आई थिंक 2 साल बाद हो रही है, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन चल रहा था तो इस वजह से हो नहीं पाई। तो दोस्तों ये वाली लोकेशन देखिए यार, क्या प्यारे वाले पहाड़ लग रहे हैं एकदम मस्त सा। तो आप लोग कभी आए ना तो ये है पोर्शन वाला, और यहाँ से जो दिखता है ना पहाड़ एकदम बहुत ही अमेजिंग। तो कुछ दूसरे तरीके से हम आप लोगों को इस जगह को दिखाएंगे। हम लोगों ने ट्राई तो किया था इस लोकेशन पे कुछ शूट करने का, बट यार डिसअपॉइंटेड हो, मतलब उस प्रकार का व्यू नहीं मिला जिस प्रकार का हम चाह रहे थे। है ना संजू भाई, मजा नहीं आया? संजू भाई ने बोल दिया मजा नहीं, तो हम लोगों ने उसको कट कर दिया भाई। तो हम लोग और अच्छी वाली लोकेशन ढूंढेंगे। संजू भाई मैगी पॉइंट, तो एक मैगी पॉइंट यहाँ पे भी है, देहरादून वाला नहीं, कौन सा वाला है? उर्गम घाटी का मैगी पॉइंट। तो मैगी पॉइंट में देखेंगे वो लोकेशन यार, वहाँ से अच्छा व्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों अपनी आँखों को खोल के रखो अब, क्योंकि जो लोकेशन दिखने वाली है ना वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब भाई वो फील होता है कि भाई आप पहाड़ों में जिस हिसाब से राइड कर रहे हो ना, जिस हिसाब से व्यू दिखता है चलते चलते वो है। तो ठीक सामने देखो यार, ये वाले व्यू देखिए, इतने अमेजिंग व्यू दिखते हैं ना ये, मतलब आपकी रोड यार पहाड़ देखे कितना ऊपर ऊपर, और उनके बीच में हम लोग अपनी बाइक्स को चला रहे हैं, तो जस्ट फील इट कि कितना मज़ा आ रहा होगा। फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं यार, जहाँ पे संजू भाई ने बोला था मैगी पॉइंट, और इट इज़ वेरी फैंटेस्टिक।
लोग पूरा ऑफ रोड पे ही ले जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाती है बाइक। ओहो भाई जी इससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे हम, ऑफ रोड है लेकिन इतना भी नहीं ले जाएंगे। हमारी पार्किंग देखिए भाई, बहुत ही एडवेंचरस जगह पर हमने पार्क किया हुआ है। और यह है संजू भाई का मैगी पॉइंट। संजू भाई मैगी ऑर्डर दे दी, मैगी ऑर्डर हो गई। और भाई ये वाला रास्ता देखिए, पूरा एकदम बकरियों वाला है। और ठीक सामने मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ भाई, वो है गांव, इतना अमेजिंग गांव है, आपको पहले दिखाता हूँ। तो ठीक सामने, मतलब भाई गोप्रो ले रहा हूँ ना, ठीक सामने एक गांव है उर्गम वैली, इतनी फेमस वैली है कि क्या बताएं। और उसके जस्ट ऊपर देखिए एकदम बर्फ, पूरी बर्फ़ ढकी हुई है। और जस्ट ठीक सामने गाँव, बहुत ही प्यारा गाँव है। एक बार फिर से मौका मिलेगा जाने का तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। मैं तो गया हूँ, आपने देखा होगा जो हमारे पुराने ब्लॉग, बंसी नारायण वाला ब्लॉग, कल्पेश्वर वाला ब्लॉग, तो वो वहीं स्थित है हमारा। तो अभी हमारे पवन भाई तो अपने शूट पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी सब कुछ लगी हुई उनकी, जो भी बना रहे हैं। तो मैगी का वेट करते हैं, पहले मैगी आ जाए, थोड़ा बहुत भूख लगे यार, लोग बोल लेंगे कितने भूखे हैं, थोड़ी देर पहले तो चाय पकौड़ी थोड़ा बहुत हम लोग खा लेते हैं कभी कभी। ये आ चुकी है हमारी मैगी, और बैठने की जगह भाई बहुत ही ख़तरनाक जगह बना रखी है हम लोग। ये है गढ़वाली स्टाइल बैठने का, और हवा ना चले इसीलिए हम लोग ऐसे बैठे हैं भाई। और देखो जस्ट बगल पे है हमारी बाइकें और स्कूटी। समझो भाई क्या हो रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। ओली पैसा वसूल। पवन भाई कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा ठंडा भाई। अब पवन भाई अभी तो भाई बहुत बड़ा प्लान सोच रहे हैं हम चलते चलते, तो देखो कल कहाँ पहुँचते हैं, अभी तक तो ये चल ही रहा है। मैगी के साथ साथ हम इस रोड का भाई अभी तक सोच रहे हैं कि जा कहाँ रही है। संजू भाई पूरा दिमाग खपा दिया, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चल पा रहा कि जा कहाँ रही है ना। अब क्या है क्या है? इसका राज हम लोग कभी और दिन देखेंगे, जरूर जाएंगे एक बार हम यहाँ पे भी, पूरा एडवेंचर देखना है कि कहाँ जा रही है ये रोड। लेकिन अभी हम लोग ड्रोन शॉट के मजे लेते हैं। तुझको ही मांगा है रब से मुरादों में, रातों में देखा है तुझको ही खाबो में, राहों में तेरी कुछ अलग ही जादू है, चाहूं बस प्यार रहते रहे साथों में। तुझको ही मांगा मुरादों में, रातों में देखा है तुझको ही खाबो में, राहों में तेरी कुछ अलग ही जादू है, चाहूं बस प्यार रहते रहे साथों में। काबू में नहीं है दिल ये मेरा, दिल भी नहीं सकता ये प्यार है मेरा, जो देखूं ना तुझको ही पल मेरी जान। आप लोगों ने देखी इस वाली लोकेशन से वाली ड्रोन शॉट, और ये है पूरा ऑफ रोड वाला फील। तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने ऊपर गाड़ी चला दी थी, और वाह 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 क्या थार जा रही है भाई भाई। मतलब हम लोगों को वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखने वाली है ना आज, शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ये है भाई छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स ऑफ रोडिंग। चलो चलो आगे से, तो अभी भाई हमारे साथ ड्रोन उड़ाते उड़ाते छोटा सा एक एक्सीडेंट भी हो गया था, कि भाई संजू भाई का थोड़ा सा हाथ किसी पत्थर पर आ गया था तो वो कट हो गया था। तो भाई उसी में हम लोग थोड़ा बहुत लगे हुए थे, बट ज़्यादा नहीं, हमारे पास फर्स्ट एड था ही स्कूटी में, तो हमने यूज़ कर लिया। फाइनली हम लोग भाई मेन रूट पर आ गए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को राइट टर्न लेना, तो आप ओली के लिए जाएंगे जो कि यहाँ से है 14 किलोमीटर, और लेफ्ट साइड के लिए जोशीमठ के लिए। तो ये देख सकते हो भाई इतना प्यारा बोर्ड लगा हुआ है, 7 फरवरी टू 9 फरवरी, मतलब भाई 2 दिन का मेला है यहाँ पे, स्कीइंग मेला बोल सकते हो आप लोग। तो भाई वर्ल्ड के बहुत भयंकर स्कीइंग प्लेयर आने वाले हैं कल यहाँ पे, तो हम लोग भी स्कीइंग करेंगे, देखो क्या होता है। अभी जो हमारे सब्सक्राइबर मिले थे भाई जी हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई स्कीइंग कर सकते हैं आजकल भी। मुझे लग रहा था कि स्कीइंग नहीं होगी, बट होगी। देखिए धीरे धीरे भाई बर्फ़ दिखने लग गई है यहाँ पर, और बर्फ़ भाई घरों के पास में दिख रही है, तो भाई बहुत अच्छा है। और हमने अभी भाई से पता किया था कि कहाँ तक गाड़ी जाने का है, तो कह रहे हैं कि जहाँ तक ले जा सको, तो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर अप कर पाएँ एकदम सेफ जोन और सेफ तरीके से। दोस्तों हमारी गाड़ी एक जगह पे फंस चुकी है, और हम लोग धक्का मार के ले जा रहे हैं ऊपर तक, जहाँ पर तक भाई आइस कम हो, और ये ब्लैक आइस की वजह से भाई हो रहा है यहाँ पर। तो हमारी दोनों गाड़ियाँ देखो ऐसे जा रही है, तो हमारी गाड़ी इस जगह पे भाई फंस गई थी, और धक्का मारते मारते यहाँ पे ला गए, और हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, रिस्क में आने पे। संजू भाई की ताकत का काम आया भाई, सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है भाई। तो कितना किलोमीटर बोल रहे थे? 3 किलोमीटर और जा सकते हैं, देखते हैं ट्राई करते हैं कहाँ तक हो गया कि नहीं। हाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर खड़ी कर देंगे। चलो
तो राइड दोबारा से शुरू। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों एक स्वीट वाले अंकल भाई, उन्होंने ब्रेक मारा और जस्ट मेरे टायर के आगे उनकी गाड़ी रुक गई, और उस समय कैमरा ऑन था नहीं तो दिख नहीं पाया। बट भाई कुछ भी बोलो, बर्फ़ में जितने मज़े हैं गाड़ी ले जाना उतना टफ है। मतलब आप यहाँ पे भाई ब्रेक भाई जब मारोगे ना तो बहुत सोच के ब्रेक मारने पड़ रहे हैं, तेज़ ब्रेक मार ही नहीं सकते आप लोग। और अभी जस्ट हमारा कूलेंट भी गिर गया था यार। ओहो, एक और स्लिप, एक और स्लिप। संजू भाई आराम से पकड़ के रहना। दोस्तों भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी स्लिप हो चुकी थी और मेरी भाई बस की है नहीं थी, तो इसीलिए संजू भाई और पवन भाई ले जा रहे मेरी गाड़ी। बस यहाँ पे हो गई थी यार हमारी गाड़ी स्लिप, और पवन भाई की स्कूटी भी। भाई बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क। देखो कहीं हम सेफ पार्किंग ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे लगा देंगे गाड़ी और वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। हम लोगों ने मान लिया हार और हम लोगों ने एक सेफ पार्किंग ढूंढी, तो देखो मैंने यहाँ पे लगाई है सेफ पार्किंग में। यहाँ पे तीन चार बाइक हैं तो थोड़ा बहुत टेंशन कम रहेगी हम लोगों को कि भाई कुछ नुकसान हो। शीशे वीशे करते हैं पैक, और यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर होगा तो आगे पैदल ही जाएंगे अब हम लोग। अब मोटो व्लॉगिंग नहीं, अब भाई वॉकिंग वाली व्लॉगिंग होगी हेलमेट पहन के। पवन भाई भी हेलमेट उतारने वाले हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है, और संजू भाई तो फुल ट्रैकिंग वाला फील ले रहे हो। संजू भाई कपड़े कपड़े रख रहे क्या सब? अबल ना, अब यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे, देखते हैं कितना होता है। हम लोग पैदल वाले रास्ते से पहुँच चुके हैं ओली पे, तो मैं आपको फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ ओली का। पहले तो ये है फर्स्ट व्यू ओली का, और भाई जो ऊपर क्लाउड चल रहे हैं ना भाई, इतना प्यारा लग रहा है वो। और इस साइड को भी हम लोग को जाना है, और हम लोग आए इस रास्ते पैदल। मतलब गाड़ी चलने का कोई भी चांस नहीं था ऊपर, तो हम लोगों ने कहा रिस्क बिल्कुल नहीं। हमने एक सेफ पार्किंग ढूंढी जहाँ पे 3-4 बाइकें थी, आपने देखा, तो वहाँ से हम लोग पैदल आ गए। तो लगभग 300-400 मीटर पैदल है, शॉर्टकट आप लोग आ सकते हो आराम से। तो उसके बाद अब जस्ट यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ से पहले रूम वाला देखते हैं। इतने दूर भाई हम लोगों को इस प्रकार की सर्विस मिल रही है, मोमोज। तो मोमोज के मज़े ले रहे हैं हम लोग। पवन भाई तो खाने वाले थे बट मैंने रोक दिया, मैंने कहा भाई ये हम सबको दिखाएंगे, पहले इस बार हम दिखा के खाएंगे लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। अभी मोमोज के टेस्ट इतने दूर है, ठंडे में अच्छा लगने वाला है। ये बहुत ही बेकार इंसान इतने दूर आने के बाद ही भाई ये फ़ोन पर ही लगा हुआ है। इसके लिए भाई हम लोग मोमोज लाए थे, देखो दो हमने इसके लिए बचाए हैं। भाई खा ले मोमोज वरना मैं खा लूँगा फिर। संजू भाई बहुत ही बेकार इंसान है। संजू भाई देख ले तुम्हें, अब ये देखो अभी भी फ़ोन पे लगे हो, ये देखो ये जो भी फ़ोन पे है भाई उससे फ़ोन छुड़वा देंगे हम। गाइज ये है बाहर की लोकेशन, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है बट ये है लोकेशन गाइज बाहर की, बहुत ही अमेजिंग हो रखी है। और जस्ट ठीक सामने देख सकते हो आप लोग, वो है एक रेस्टोरेंट। भाई नीचे साइड पे देखे यार क्या सही टेंट लग रखे हैं, पूरी लोकेशन बहुत ही अमेजिंग हो रखी है, और पूरा स्नो हो रखा है, मज़ेदार। जो भाई लोगों ने उनका ये स्टोर रूम है, टेंट में स्टोर है। और भाई सबसे अमेजिंग मुझे ये झंडा वाला लग रहा, तो कल सुबह मैं इस पर रील बनाऊँगा, बहुत मस्त। और इधर साइड देखो भाई लोग अभी बाइक बुक स्टार्ट करके चल रहे हैं अपने लिए शाम की व्यवस्था करने। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, थोड़ा सा नीचे पे है हमारा डिनर जहाँ पे भी बन रहा है, शायद यहाँ इस वाले शॉप पे बनवाया है। अभी यहाँ पे बोन फायर चल रहा था जस्ट पीछे मेरे, पहाड़ी वाले स्टाइल में, मतलब कंटर में शोता होता है एक, मतलब जलाने वाली चीज़ होती है, उसको जला के हम लोग मतलब आग सेक रहे थे। तो अभी पहले खाना खाने चलते हैं, देन उसके बाद फिर आग बोन फायर करेंगे, थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे। और जो और साथी लोग हैं वो लोग स्कीइंग में वॉलंटियर बने हुए, तो उन लोगों का खाना पीना सारा GMVN की तरफ से है। तो ये बात भी मुझे पता चली कि यहाँ पे जितना भी स्कीइंग का कंपटीशन होना है उसका सारा मैनेजमेंट GMVN संभालता है, तो बहुत बड़ी बात है। GMVN हैंड्स ऑफ, आप लोग इतना अच्छा काम करवा रहे हैं। तो अभी पहले चलते हैं खाने पे, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग कभी भी आए
तो मैं लोकेशन दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। तो ये वाली लोकेशन पे है भाई, मतलब आप लोग जैसे ही ओली में एंटर करेंगे तो यहीं पे, तो यहीं पे है भैया के पास, यहाँ तक कि गूगल पे भी है रखा हुआ है। और सचिन भैया यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, नॉर्मल था, सिंपल सोवर। और जस्ट यहीं ऊपर पे भी दूसरे भाई लोगों का भी टेंट है, और हमारा टेंट लगा हुआ है इस वाले घर के जस्ट पीछे, बहुत ही अमेजिंग। और लाइटें देखो यार पीछे, क्या मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग पहले जाते हैं बोनफायर में, थोड़ा बोनफायर करेंगे फिर रेस्ट करेंगे। स्पेशली भाई सबसे बड़ा मयंक भाई का बहुत ही थैंक यू कि उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए टेंट लगाया है वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का अब यहाँ पे बंद हो गया था टेंट, लेकिन उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए टेंट लगाया। तो दिल से शुक्रिया यार, ऐसे लोग मिलते हैं हमें, और ऐसा हम लोगों का शायद लक भी है कि ईजिली मिल जाता है, और थोड़ा बहुत लोकेलिटी भी है तो इसीलिए।